कुछ स्मेल्स बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, बार बार स्मेल कर रहा है, तो ये कुछ साइंस हैं जो हमें लगते हैं। 3 साल से पहले ऑटिज्म डायग्नोस नहीं हो सकता। आफ्टर 3 ईयर्स एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन की जरूरत होती है कि पेरेंट्स को बुलाया जाए और उससे हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि आप इस तरफ कैसे आए। मेरा अपना बैकग्राउंड है, मेरा बेटा 11 ईयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड है। अच्छा, तो 6 साल तक तो डायग्नोस नहीं हो पाया था, हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो खुद डॉक्टर है मेडिकल, लेकिन हमारे कोर्स में ऑटिज्म शामिल नहीं है अभी तक। तो उसके बाद फिर हमें जब सेल्फ डायग्नोसिस किया अपने बच्चे का, वो लर्निंग डिसेबिलिटी इज पार्ट ऑफ ऑटिज्म, इज अ पार्ट इज सम काइंड अदर, समझ लीजिए समथिंग एल्स, अच्छा लर्निंग डिसेबिलिटी, बट इट कुड बी इन इंक्लूडेड। ओके, बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं और हम ये बात करेंगे कि हम ऐसे बच्चों को हैंडल कैसे करें। ठीक है, मगर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। करें ऐसे बच्चों को जब हमें पता चल गया, डायग्नोज हो गया, तो माँ क्या करे फिर, या बाप इकट्ठे या फैमिली, हमें क्या करना है? समीना, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है, सबसे पहले कि डायग्नोसिस की फैसिलिटीज अब काफ़ी हद तक हो गई हैं। मैं जब मेरे बच्चे को था मसला और आई वॉज लुकिंग फॉर सम रिसोर्स पर्सन की कोई ऐसा मिले जो मुझे गाइड करे, उस वक्त नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में है इस तरह का। तो सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स के लिए लर्निंग, पेरेंट खुद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करे या लर्न करे कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड विथ सम स्पेशल नीड्स, के मेरे बच्चे की स्पेशल नीड्स क्या हैं, स्पेसिफिक नीड्स क्या है, मैं उससे कैसे कम्युनिकेट करूँ। अगर बच्चा वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल मोड्स को लेके हमने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट कि आपने कुछ मांगा एंड यू गेट समथिंग, तो ये चीज हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मदर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, फादर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, फादर्स की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फर्दर कि आप अपने बच्चे को लेकर आए, कॉग्निटिव लेवल ऊपर आए, फिर आप उसकी पढ़ाई शुरू करें, एकेडमिक तक जाएं। तो ट्रेनिंग सबसे पहले, बेसिक ट्रेनिंग मदर्स पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और वर्कशॉप भी बहुत जरूरी है ना डॉक्टर? बिल्कुल, मैं 100% एग्री विद दैट। इनफैक्ट हम जब वजूहात की बात कर रहे थे तो मैं एक अगले स्टेप पे जाना चाहूंगी जरूरी, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद का एक मरहला होता है, फौरन बाद भी नहीं, 2.5 साल की उम्र तक, क्योंकि हम नॉर्मल एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, वो सब कुछ कर रहा है नॉर्मली, जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, जो चूसना, खाना, घूमना फिरना, और 2.5 साल तक तो वो बोलना भी शुरू हो जाता है, पॉटी ट्रेन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उस वक्त अगर किसी वजह से बच्चे को हेड इंजरी हो जाए, या बच्चे को जॉन्डिस हो जाए यकन और बहुत हाई लेवल के, या और ये पैदाइश के बाद की ही एकदम जो पहला महीना होता है उसमें भी अगर हो जाए, तब की भी ये बात है, और बाद में अगर हो सकता है कि बाद में भी हो जाए। और सबसे ज़रूरी जो बात है आजकल जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि गर्दन तोड़ बुखार, वायरल एनसेफ्लाइटिस एंड मेनिनजाइटिस, अब तो वैक्सीन हो गई है। अच्छा, हमारे पास कुछ गेस्ट हैं जी जिनके बच्चे जो है वो बहुत खास बच्चे हैं, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस फरजीन उमर हूँ जी, और ये मेरे हस्बैंड हैं, ही इज एन ऑफिसर इन द एयरफोर्स। अच्छा, और कैसे हो बेटे? अस्सलाम करें बड़ा मुश्किल होगा बैठे। हेलो मेरा बच्चा, कैसे हो आप? हैं, आ जाओ इधर आ जाओ जी। तो जैसे कि मोस्ट इंटरेस्टेड विद डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई जो केयर है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे लाइक आई एम अ यंगर सन, एल्डर सन, उसका हियरिंग इम्पेयर्ड है वो, ठीक है, बट नाउ इट हैज ग्रोइंग इन क्लास 6 माशाल्लाह। अच्छा, अब वी एसोसिएटेड बिकॉज व्हेन द टाइम ऑफ डिलीवरी ही वाज डिले कराया था, और द डॉक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज सम आई वुड नॉट नेम द डॉक्टर बिकॉज बट It happened like this के शाम 4 बजे उनको पता चल गया कि the baby की heart beat जो है वो सही नहीं है। हाँ। और रात के 10 बजे तक because the senior doctor was not ready to operate, junior doctor को बुखार हुआ हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने रात 12 बजे हमने थोड़ा सा even try किया because we knew because her mother is a doctor, तो we knew के fetal गया कि distress the heart beat distress से आ गई है, तो उससे क्या फर्क होगा।
तो फिर नेचुरली दैट वाज द कॉज इट वाज अ ब्लू बेबी माय सन इफ यू सी हिम राइट नाउ अब्दुल्ला ही इज कश्मीरी कहते हैं हाथों बट ही वाज ऑल ब्लैक व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज ब्लैक बिकॉज़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है जी एंड दैट्स व्हाई ही इज वेयरिंग एन हियरिंग एड हां तो सेकंड चाइल्ड इज ऑटिस्टिक एंड ऑटिज्म इज गुड राइटली डिफाइंड बाय के इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर जी इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर जिसके अंदर आपके तीन चीजें अफेक्ट होती हैं अच्छा आपकी बेसिकली सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर अच्छा कोई जगह मिली आपको जहां आप ये सीख सकते कि आपने इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये है कि बिफोर सी एफ ए जहाँ पे रूही रिसोर्स पर्सन है और डॉक्टर मारूफ दे रनिंग दिस इंस्टीट्यूट उससे पहले कोई ऐसी सिस्टमैटिक जगह नहीं थी जहाँ पे हम बच्चों को भेज सके इसको डिफरेंट जगहों पे हमने बेटों को डाला है लेकिन देयर मोर ऑफ अ डे केयर सेंटर अच्छा मोस्ट ऑफ दोज प्लेसेस अगर लेकिन आपके लिए आप दोनों के लिए क्योंकि आपने इनको हैंडल करना था बड़ा करना है मतलब ये बुरा प्रोसेस है सबसे पहले तो ये बात है कि डायग्नोसिस 5 इयर्स ऑफ एज पे हुआ हम ये सस्पेक्ट करते रहे कि मे बी ये हेयरिंग इम्पेयर्ड है लेकिन थोड़े से पे जब इसमें और बिहेवियर्स आए देन वी रियलाइज्ड कि नहीं मे बी इट्स समथिंग मोर देन बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड सिंपली तो फिर हमने थोड़ा सा और स्टडी किया फिर हमें पता चला इसका डायग्नोसिस कि ऑटिज्म है तो अब इनका जो ऑटिज्म है वो किस तरह का ऑटिज्म है ऑटिज्म की ऑब्वियसली बाकी सब डिसेबिलिटीज की तरह कैटेगरीज हैं एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे वो कैटेगराइज करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है यहाँ पे आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि जनरली जो कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पेशल नीड्स बच्चे हैं तो कॉग्निटिवली उनका कोई लेवल नहीं है ऐसी बात नहीं होती है डिस्पाइट बीइंग स्पेशल नीड्स दे कैन हैव अ सर्टेन कॉग्निटिव लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग उनकी ठीक हो सकती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या नॉर्मल इंटेलिजेंस कहते हैं बाकी फंक्शंस अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं भी बाकी एरियाज उनके तो ज़रूरी नहीं कि उनके कॉग्निटिव जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो ज़्यादातर ये इसलिए क्या कहना चाहिए अटेंशन कैच करते हैं बिकॉज इनके बिहेवियर्स जो हैं वो हमारे सोशल नॉर्म से डिफरेंट लगते हैं तो इस वजह से ये ज़्यादा अटेंशन कैचिंग होते हैं तो ये नॉर्मल स्कूल में जैसे आप बच्चों के साथ पढ़ते हैं या इनके लिए आपने यहाँ पे ये आई वुड लाइक टू से कि चूंकि अर्ली इंटरवेंशन फैसिलिटीज नहीं है तो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही जैसे कहते हैं ना छोटे लेवल पे है और अवेयरनेस ही नहीं हम समझ ही नहीं पाते ये खास बच्चों को समझने के लिए भी तो खास दिमाग चाहिए खास दिमाग होंगे तो समझ पाएंगे ना बहुत हिम्मत वाला काम है ये और माँ बाप के लिए बहुत एक इम्तिहान है तो इस इम्तिहान पे पूरा होने के लिए आपको भी पढ़ना और इम्तिहान से गुजरना है और इम्तिहान देना है रोजाना उसके लिए कोई वर्कशॉप्स है कि जहाँ आप ऐसी फैमिली से मिल सकें उनसे अपना शेयर कर सकें और कोई ट्रेनर्स हैं आपके पास ये बहुत जरूरी है ये फोरम समय 3-4 बेसिक स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास आपको जाना पड़ता है स्पीच पैथोलॉजिस्ट then you need an occupational therapist, then you need a special ed. When you go to all these three people, at the end of the day, you are thinking you become those people. When you visit them, she is becoming a speech pathologist, Karachi University se keh rahi hai, theek hai? Then she was a resource teacher for 1 year. So when you enter all these fields, jab in bandon se in specialist se milte hain, like at the end of the day, wo autism ke ek website pe aaya hua tha, as a child grow up you become specialist with respect to your child or those people like if you lose hope so that is the punchline never to lose hope with this children they are different but yet they are human beings they're just different and they're just different and we must celebrate difference and agar aap sikhna hai ki difference ko humne celebrate karna hai ji aur agar